खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुरैना जिले में कोटा बैराज डैम से आने वाली नहरों में अभी तक सिंचाई हेतु पानी नहीं छोड़ा गया है। पानी के अभाव में किसान अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे। किसानों की गेहूं की फसलें काफी लेट हो चुकी हैं एवं सरसों की फसलें सूख रही हैं। अभी हाल ही में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण किसानों की फसलें खराब हुई, जिसका अभी तक किसानों को मुआवजा तक नहीं मिला है। साथ ही प्रशासन द्वारा नहरों में पानी नहीं छोड़ा जाना किसानों के साथ भेदभावपूर्ण है। मुरैना जिले का पानी भिंड जिले को दिया जा रहा है। किसान विरोधी प्रदेश सरकार होने से मुरैना जिले के किसानों के साथ भेदभाव अन्याय किया जा रहा है। जब हमारी मीडिया टीम ने नगर पालिका अध्यक्ष अंजना ब्रिजेश बंसल से चर्चा की तो नगर पालिका अध्यक्ष अंजना ब्रिजेश बंसल ने बताया कि मुझे विरोध व विरोधियों की कोई परवाह नहीं है, मैं हमेशा से ही गरीबों के हित के बारे में सोचती हूँ। जब किसानों ने मुझे बताया कि मुरैना जिले की नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया, हमारी फसल बर्बाद हो गई और हमें अभी तक नहर के पानी लाभ नहीं मिला और हम पर जल कर प्रतिवर्ष वसूला जाता है, तो पानी भी समय पर मिलना चाहिए। इसी लेकर नगर पालिका अध्यक्ष अंजना ब्रजेश बंसल ने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि मुरैना जिले की सभी नहरों में पानी छोड़ने की व्यवस्था की जाए। इस बार पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो किसानों को सही टाइम पर पानी मिलता था, जिससे उनकी फसल भी अच्छी रहती थी और वो हर समय खुशहाल रहते थे। लेकिन जब से केंद्र में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से किसानों का जीना हराम हो गया है। उनकी स्थिति का बहुत बुरा असर पड़ रहा है, खासकर उनकी फसलों पर। यहाँ से तो कोटा से जो पानी छोड़ा गया है वो सीधे भिंड के लिए छोड़ा गया है। हमारे यहाँ नगर तक, हमारे ये कैलाश नगर की छोटी छोटी जो नहरें हैं उनसे किसानों को पानी उपलब्ध होता था, उससे अपनी वो खेती सरसों गेहूँ की खेती अच्छी कर सकते, लेकिन अब उनको पानी नहीं मिल रहा है, इससे उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। और किसान मेरे द्वारा आज कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने किसानों के हित के लिए उनसे बात लिखी है और कहा है कि जल्द से जल्द इन छोटी नहरों के लिए पानी छोड़ा जाए, जिससे किसान अपनी गेहूं और सरसों की फसल को अच्छी तरह से कर सके। कैलारस से राजेंद्र सिंह धाकड़ की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।